इस बार भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लक्ष्य 29 का नारा दिया है। इसी के तहत चुनाव का रोडमैप तैयार करने के लिए आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुआ। कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, पार्टी महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार के अलावा पार्टी के कई नेता और कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ अनंत कुमार ने किया। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 165 सीटों पर जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, न कि कोई आश्चर्य चमत्कार। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा घर घर जाकर एक वोट और एक नोट मांगेगी। ये नोट सहयोगी राशि के रूप में एकत्रित किया जाएगा, जिसमें जनता अपनी स्वेच्छा से 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की राशि दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की भोपाल में संपन्न हो रही है। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। इस बैठक में पार्टी प्रभारी महामंत्री माननीय अनंत कुमार जी, माननीय स्वराज जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उपस्थित रहने वाले। ये बैठक पार्टी की दृष्टि से, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में पूरे राज्य के प्रमुख कार्यकर्ता मिलकर लोकसभा चुनाव की रणनीति की दृष्टि से विचार करेंगे और जो कार्यक्रम तय करेंगे वो कल सबके सामने आएंगे। वहीं महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने कार्य समिति की बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के शासक नहीं, सेवक हैं और उनकी इसी ईमानदारी और कर्मठता ने उन्हें प्रदेश में तीसरी बार विजय दिलाई है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का एजेंडा जनता की चाहत के अनुसार ही होगा। चुनाव के रोडमैप के लिए प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व प्रदेश में खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस का विकास का मॉडल खास आदमी है, जबकि भाजपा का आम और गरीब आदमी। इसके अलावा अनंत कुमार ने कहा कि पार्टी अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से विधानसभा चुनाव में अनुशासनहीनता करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हार के बाद आपकी चिंतन करना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में तो अपोजिशन में पोजिशन के लिए संघर्ष चाहिए, यानी विपक्ष के नेता कौन बने इसके बारे में घमासान जंग चल रही है। कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में और पूरा देश में अप्रासंगिक हो रही है। मैं कांग्रेस के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मित्रों मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप आज के दिन में आत्मचिंतन करिए, अंतर्मुखी हो जाइए। 5 सालों में हमें सुशासन देना होगा और विकास करना होगा। यदि सुशासन देना है तो सुशासन का उपकरण वो विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को और उसके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर के पदाधिकारियों को। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।